भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर जो कि पश्चिमी न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला हुआ है, जहां वे कार्यक्रम में दौरान जो कि मैच पर संबोधन के लिए पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमलावर जो कि रुश्दी की तरफ तेजी से बढ़ा और उस पर जो कि चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद मैच पर खून के छींटे दिखाई दिए हैं और घायल रुश्दी को जो कि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमलावर को जो कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसकी उम्र जो कि 25 साल बताई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जो कि हमला क्यों किया, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस इसकी जानकारी पता करने के लिए कोशिश कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रुश्दी का जन्म जो कि मुंबई में हुआ है, वह जो कि द स्ट्रीट वर्क्स ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन जैसी किताबें लिखकर चर्चा में आए थे। रुश्दी को जो कि बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, उन पर जो कि जानलेवा हमला हुआ चाकू से जो कि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें जो कि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिन्होंने हमला किया उनकी उम्र जो कि 25 साल बताई जा रही है। आखिर उन्होंने हमला क्यों किया, इसकी बात कर जो कि अभी तक पुलिस निकाल रही है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के कमेंट जरूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अभी लाइक कर दे। धन्यवाद।